हार का ही सामना करना पड़ा, वो भी दौड़ से। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 11, काफ़ी लेट हो चुके हैं, बट आज का दिन काफ़ी ठंडा था क्योंकि सुबह में हो रही थी हल्की हल्की सी बारिश, और बारिश में आप समझ ही सकते हैं कि ठंडा मौसम होता है, उठने का दिल नहीं करता है। अभी तो घर पे ही आराम कर रहे हैं, और घर पे आराम इस तरह से कर रहे हैं कि घर पे ही खेला जाए। हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं रूम के अंदर ही, क्योंकि बाहर बारिश की वजह से कचड़े बहुत हैं, और कचड़े की वजह से हम लोग रूम पे ही खेल रहे हैं वॉलीबॉल, है ना। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आज घर पे ही। तो फाइनली गाइस, गेम खेलते खेलते, फुटबॉल खेलते खेलते घर की सफाई स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं, वो भी वीडियो के चक्कर में। यहाँ पे क्या बेटा, क्या कर रहे हो? सफाई कर रहे हैं, खेलते खेलते सफाई होने लगी। और यहाँ पे इसका एक खिलौना है, मिट्टी खा रही है। कौन सी बहन? हिबा, कृष्ण, फातिमा। और यहाँ पे मेरा ये खिलौना गाना वाइट डैडी से। तो लेडीज सफाई कार्यक्रम हम लोग के पूरे हो चुके, और उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया, और अब जाके थोड़ा सा आराम कर रहे थे, लेकिन ये आराम करने नहीं थी चेहरे की। मेरे साथ में चलिए लूडो खेलें। तो अभी हम लोग लूडो खेल रहे हैं, और अब जाके मेरा एक निकला हुआ है, और वो भी कहाँ पहुँचा हुआ है, यहाँ पे। और उसके सभी निकल चुके हैं, अब देखते हैं कि जीतता कौन है और एंड द लास्ट में विनर कौन होता है। तो देख रहे हैं, कभी से एकदम परेशान है कि हम आगे हम आगे हम आगे। कौन आगे बेटा? कौन आगे है? अच्छा, जीतेगा कौन? देखते हैं कि जीतता कौन है अभी। तो फाइनली गाइस, मैच बहुत ही रोमांचक मोड पे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे निकल चुके हैं, और यहाँ पे इसका अभी एक फाइनल हो चुका है, तीन अभी अंदर ही है। तो एकदम मैच टर्निंग पॉइंट हो चुका है, अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे कौन जाता है। तो चलते हैं। लीडर मैच ख़त्म हो गया, मैच ख़त्म होने के बाद फिर से मुझे हार का ही सामना करना पड़ा, वो भी दौड़ से, और आज का दिन ही ख़राब है मेरे लिए। कौन जीता? हम। कितने से? चार से कि दो से? दो से। दो थी, और दोनों यही पे थी, सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे। मुझे बस दो एक की ज़रूरत थी, लेकिन वही दो एक नहीं आया, और इसका सब कुछ आ गया। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वाले मैच में कौन विन करता है। दोपहर के टाइम में गेम खेलने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि शाम का टाइम था, और सोए भी करीब 4 बजे के। तो उठने के बाद हम लोग ने नहाए धोए, सारे लोग फ्रेश हो चुके हैं, फ्रेश होने के बाद चाय पिए, फुल्की भी आई थी घर पर, तो वो भी खाने के बाद अब रेडी हो चुके हैं मार्केट में जाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है, सोच रहे थोड़ा सा बाहर निकल जाए। तो चल रहे हैं बाहर, और आज का दिन पूरा आज का पूरा दिन घर में ही बीता, बारिश की वजह से और ठंडक की वजह से। सो अब चलते हैं बाहर, और मार्केट में देखते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, बाहर का भी आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे घर पे और खाना पीना खाएंगे। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या होता है बाहर। तो बने रहें ब्लॉग पे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं अब आगे। 377 का पूरा शर्ट पीस है। तो मार्केट में आ चुके हैं मामा का कपड़ा लेने के लिए, और देखते हैं यहाँ पे पसंद कौन सा आता है, क्योंकि वैरायटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि कौन सा लें। इनको चाहिए प्रोफेशनल लुक। आखिरकार पसंद आ गई एकदम वाइट प्लेन शर्ट, ये बनवाएंगे क्योंकि बारात जानी है, तो वाइट इनको चाहिए, और वाइट के साथ साथ नेवी ब्लू पैंट। फाइनली ड्रेस पहुंच चुके हैं घर पे, घर आने के बाद अब चलेंगे खाना खाने, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लगी है। मार्केट में भी खाएं, बट उतना मार्केट के हिसाब से पेट नहीं भरता। और मार्केट में जाके हम लोग ने कपड़ा लिया, खाना पीना खाएं, और थोड़ा सा घूमें। तो मज़ा आया
मामा के साथ में, मामा का कपड़ा था। चलते हैं अब खाना खाने के लिए, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं कल, बाय बाय।